नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पनामा पेपर्स मामले में 2000 भारतीयों पर खुलासा। आईसीआईजे ने कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले देशों में कंपनियां रखने से जुड़ी पनामा पेपर्स की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की है। ये भारत के लगभग 2000 लोगों, कंपनियों और पते से जुड़े हैं। आईएसआईजी ने सोमवार को एक डेटाबेस प्रकाशित किया जिसने नेवादा से हांगकांग तक और ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में स्थापित लगभग 2.14 लाख विदेशी इकाइयों की गोपनीयता को उजागर करके रख दिया है। कंसोर्टियम ने अपने हालिया संदेश में कहा कि यह जानकारी पनामा पेपर्स जांच का हिस्सा है। यह विदेशी कंपनियों और उनके पीछे के लोगों के बारे में अब तक जारी हुई सबसे बड़ी जानकारी है। इस डेटाबेस में भारत से जुड़ी जानकारी को तलाशने पर लगभग 22 विदेशी इकाइयों, 1046 अधिकारियों या लोगों के लिंक, 42 बिचौलिया एवं देश के भीतर 828 पते मिलते हैं। भावुक सोनिया गांधी बोली, भारत मेरा घर, यही लूंगी आखिरी सांसें। इटली मूल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साधे गए निशाने पर भावुक प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत ही उनका घर है, मैं यही आखिरी सांस लूंगी, यही मेरी अस्थियां मेरे प्रियजनों के साथ घुल मिल जाएंगी। विवादित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर करार के मुद्दे पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए मोदी ने पिछले 3 दिनों में 2 बार सोनिया के इटली मूल का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक चुनावी रैली में अपने भाषण के अंत में कहा कि हाँ, मैं इटली में पैदा हुई थी, मैं इंदिरा गांधी की बहू के तौर पर भारत आई थी, मैंने भारत में अपनी जिंदगी के 48 साल बिताए हैं, यही मेरा घर है और यही मेरा देश है। जदयू एमएलसी का भगोड़ा बेटा रॉकी यादव गिरफ्तार। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू विधान पार्षद के बेटे रॉकी यादव को गया में रोड रेस के मामले में एक युवक की हत्या के आरोप में देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रॉकी यादव पिछले 2 दिन से फरार था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि रॉकी यादव को बोधगया पुलिस थाना क्षेत्र से देर रात करीब 3 बजे गिरफ्तार किया गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने दावा किया कि आदित्य सचदेव की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी आरोपी के पास से बरामद कर ली गई है। गया जिले में पुलिस लाइन के निकट शनिवार रात को रॉकी यादव ने 10वीं के छात्र आदित्य सचदेव की कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी थी। रॉकी ने ऐसा आदित्य द्वारा उसकी एसयूवी को ओवरटेक करने पर किया था।